नमस्कार, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जीवन परिचय। हमारे प्लस टू के सिलेबस में इस साल मतलब 2021 में तीन जीवनियां हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित कृष्ण राव शंकर जी तथा फैयाज खान जी। और गुलाम अली खान साहब के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री मैं पहले ही बना चुका हूँ, उम्मीद है आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और आज जैसा कि मैंने बताया, बात करेंगे पंडित कृष्ण राव शंकर जी के बारे में। पंडित कृष्ण राव शंकर जी ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से बताने की बजाय अगर मैं आपको इनका जीवन परिचय दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पंडित कृष्ण राव शंकर। जन्म। पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जन्म 26 जुलाई 1893 में ग्वालियर के एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री शंकर राव पंडित जी बहुत अच्छे संगीतकार थे, इस प्रकार इन्हें बचपन से ही संगीत का माहौल मिला। संगीत शिक्षा। इनकी संगीत की शिक्षा बचपन में ही शुरू कर दी गई थी। इनके पिता श्री शंकर राव जी ने ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हद्दू खां तथा हस्सू खां से संगीत सीखा था तथा बाद में श्री निसार हुसैन की देखरेख में 12 वर्षों तक संगीत की कठोर साधना की। तत्पश्चात अपना संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव एक पिता ने अपने पुत्र को प्रदान किया और पुत्र ने भी अपने पिता से संगीत कला का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त किया और अपने पिता की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए बाल्यावस्था से ही अपने पिता के साथ संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति में जाने लगे और श्रोताओं को भी उनके संगीत का अनुभव होने लगा। व्यक्तित्व एवं गायकी। लोग इनके सरल स्वभाव से प्रभावित होते थे। संगीत कला में इतने पारंगत होते हुए भी इनमें लीश मात्र अभिमान नहीं था। ग्वालियर घराने से संबंधित होने के कारण खुली और वजनदार आवाज इनकी विशेषता थी। तीनों सप्तकों में आसानी से विचरण करते थे। राग की शुद्धता को बरकरार रखते हुए लय पर पूर्ण नियंत्रण होता था। गायन शैली में ध्रुपद, धमार, तराना, भजन, ठुमरी आदि सभी का गायन बड़ी सहजता से करते थे। संगीत में योगदान। सन 1913 में ग्वालियर के राजा ने इनको संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन ग्वालियर नरेश तथा उनकी बहन कमला को संगीत शिक्षा दी। कुछ समय पश्चात आप दरबार छोड़कर देश की यात्रा को निकल पड़े तथा 1914 में अपने कार्यक्षेत्र ग्वालियर में गंधर्व महाविद्यालय नामक संगीत संस्था की स्थापना की, जिसे 1918 में शंकर गंधर्व महाविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। आज भी यह संस्था संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है। 1926 में पंडित जी को दोबारा ग्वालियर दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया गया। क्रियात्मक संगीत के साथ साथ इन्होंने संगीत साहित्य पर भी कार्य किया। इन्होंने हारमोनियम, सितार, जल तरंग तथा तबला वादन एवं सरगमसार, संगीत प्रवेश तथा संगीत आलाप संचारी आदि प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। संगीत के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए 1947 में ग्वालियर दरबार ने इन्हें संगीत अलंकार की उपाधि से सम्मानित किया। अहमदाबाद के संगीत विभाग ने इन्हें गायन विशारद की उपाधि देकर अलंकृत किया। 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा संगीत नाट्य अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया तथा 1962 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1973 में भारत सरकार द्वारा
पद्म भूषण से विभूषित किए गए तथा 1980 में आपको तानसेन अवार्ड से नवाजा गया। मृत्यु। ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि संगीत शिरोमणि कृष्ण राव संगीत की सेवा करते हुए 22 अगस्त 1989 को संगीत जगत से अंतिम विदा ले गए। शिष्य। इनके 4 पुत्रों में से 2 पुत्र नारायण राव पंडित तथा लक्ष्मण राव पंडित जी एवं आपकी पोत्री मीता पंडित संगीत के महान विद्वान हैं। इनके अतिरिक्त रामचंद्र राव, सप्तऋषि, एकनाथ, सदाशिव राव तथा बाला साहेब पूंछवाले आदि आपके प्रमुख शिष्यों में से हैं, जो इनकी संगीत विद्या का प्रकाश फैला रहे हैं। तो ये था पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जीवन परिचय और इनके जीवन परिचय से संबंधित MCQs का सेट मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि PDF फाइल नहीं खुल रही है, तो इस बार मैंने जीवन परिचय से संबंधित रिटर्न नोट्स वीडियो में ही दे दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।